इस वक्त हमारे साथ पंजाब के प्रभारी हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी से बात करते हैं, सिद्धू मुलाकात करके निकले हैं। सर क्या रहा फैसला? सर क्या नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में ताज पूछ रहे? अभी मैंने जो स्थिति थी जिस समय तक जो स्थिति है वो आपको एक्सप्लेन कर। सर क्या आप जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए? क्या चंडीगढ़ जा रहे हैं सर? जब कोई ऐसा फैसला करूंगा तो मैं फौरन आपको सूचित। तो सर आज मतलब कल जो एक कंफ्यूजन हुआ था उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। क्या आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था? नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैंने ये कहा कि मेरा बयान जैसा था उसी तरीके से पेश किया गया। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज किस तरीके से आप बनाते हैं ये आपका अपना अंदाजे। हरीश रावत जब कहते हैं कि सिद्धू के इर्द गिर्द फैसला होगा तभी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा क्या क्लियर सर। तो साफ तौर से हरीश रावत जिनका ये कहना है कि कल का जो उनका बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के इर्द गिर्द फैसला होगा उसके बाद ही ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। हालाँकि हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों सोनिया गांधी से मिलके निकले हैं। अब ये मान के चला जा सकता है कि जो भी फैसला है उसमें कुछ देरी हो सकती है, कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकलकर बाहर गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि जो फैसला होगा वो अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त हमारे साथ पंजाब के प्रभारी हरीश रावत जी हैं। हरीश रावत जी से बात करते हैं, सिद्धू मुलाकात करके निकले हैं। सर क्या रहा फैसला? सर क्या नवजोत सिंह सिद्धू के पक्ष में ताज पूछ रहे? अभी मैंने जो स्थिति थी जिस समय तक जो स्थिति है वो आपको एक्सप्लेन कर। सर क्या आप जाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए? क्या चंडीगढ़ जा रहे हैं सर? जब कोई ऐसा फैसला करूंगा तो मैं फौरन आपको सूचित। तो सर आज मतलब कल जो एक कंफ्यूजन हुआ था उसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। क्या आपके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया था? नहीं, मैं कभी नहीं कहूँगा। मैंने ये कहा कि मेरा बयान जैसा था उसी तरीके से पेश किया गया। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज किस तरीके से आप बनाते हैं ये आपका अपना अंदाजे। हरीश रावत जब कहते हैं कि सिद्धू के इर्द गिर्द फैसला होगा तभी कंफ्यूजन होता है, थोड़ा सा क्या क्लियर सर। तो साफ तौर से हरीश रावत जिनका ये कहना है कि कल का जो उनका बयान था उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, और कहीं ना कहीं जब उन्होंने ये कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू के इर्द गिर्द फैसला होगा उसके बाद ही ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ। हालाँकि हरीश रावत और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों सोनिया गांधी से मिलके निकले हैं। अब ये मान के चला जा सकता है कि जो भी फैसला है उसमें कुछ देरी हो सकती है, कहीं ना कहीं पेच फंस गया है। अब नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ से निकलकर बाहर गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि जो फैसला होगा वो अगले कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। कैमरामैन आकाश के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। अलीशा बेगम एक औरत का दुख एक औरत ही समझ सकती है, रूहानियत काली शक्तियां दी मालकन, दुनिया का सब तो चमत्कारी इल्म मेरे कोल है, मेरे कीते नु कोई कट नहीं सकता। काला इल्म करना आते तोड़ना हर एक दे बस दी गल नहीं। परेशानी जिमे लव मैरिज, पति पत्नी च झगड़ा, सौतन दुश्मन तो छुटकारा, तलाक केस, बुरे सपने, विदेश यात्रा, बुरी संगत जां नशा छुड़ाना, बीमारी च दवा ना लगना, वशीकरण एक सच्चाई है, वशीकरण करवाओ, मन चाह प्यार पाओ। की तुहाडी किस्मत च लॉटरी दा योग है जां नहीं, सच्चाई जानो, लॉटरी नंबर पाओ, भावे 649 होवे जां लोटो मैक्स, 11 घंटे च करवाओ हर परेशानी दा हल घर बैठे, अष्टाम पेपर ते लिख के लवो कम दी गारंटी, जा कहने तो बाहर है तुरंत संपर्क करो, तो हर गल गुप्त रखी जाएगी। अलीशा बेगम।